क्या आप भी परेशान हैं अपने डेटा को ट्रांसफर करके, डेटा केबल के जरिए से, शेयर इट के जरिए से, जीपीआ के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से डेटा ट्रांसफर करके, हाई क्वालिटी जो आपको नहीं मिलती व्हाट्सएप के जरिए से और जीपीआ के जरिए से टाइम जाया है, शेयर इट के जरिए से काफी टाइम जाया है और डेटा केबल लगा के काफी टाइम जाया है। तो आपने जस्ट फ्यू सेकंड के अंदर, आपने एक ऐप दिखाऊंगा जिसके जरिए से आप अपने डेटा सेकंडों के अंदर से अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उस ऐप को सबसे पहले आपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद अपने लैपटॉप में उस एक्सेस देनी है आईपी एड्रेस के जरिए से। याद रहे आपके मोबाइल के भी कोई ना कोई आईपी एड्रेस होती है और लैपटॉप की भी कोई ना कोई आईपी एड्रेस होती है। उस आईपी एड्रेस के जरिए से आप क्या करते हो, अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। इट्स पॉसिबल, सही है। तो चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी अपने प्ले स्टोर में जाना है, सही है। जाने के बाद आपने टाइप करना है वाईफाई एफटीपी सर्वर, जो नीचे लिखा हुआ है, एफटीपी सर्वर पे क्लिक करना है और इसको इंस्टॉल करना है, सही है, अपने मोबाइल में। इंस्टॉल करने के बाद जस्ट इसको ओपन करना है, सही है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है आईपी एड्रेस, वाईफाई स्टेटस इनेबल वाईपी आईपी एड्रेस, ये मेरा आईपी एड्रेस है मोबाइल की और ये सर्वर है, सही है, सर्वर यूआरएल। इसको ये दो चीजें हमें जरूरत होती है, सही है, हमें अपनी मोबाइल को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने के लिए ये दो चीजें जरूरत होती है। तो इनको हम मतलब स्टेप बाय स्टेप लगा के मैं दिखाऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो के साथ जुड़े रहना है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ में आ सके। माई कंप्यूटर के अंदर जाओगे, राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके एड एलोकेशन, एड एलोकेशन पे क्लिक करोगे। एड न्यू लोकेशन पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर चूज कस्टम नेटवर्क लोकेशन, फिर नेक्स्ट करोगे। फिर यहाँ पे आपने ये वाला जो आपका एड्रेस था वही आपने यहाँ पे लिख, ये वाला आपने यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे इंटरनेट और नेटवर्क एड्रेस के ऊपर यूआरएल आपने यहाँ पे लिखना है एफटीपी साइट से, या एफटीपी लिखेंगे। लिखने के बाद डबल कोलन स्लैश 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 192.168.168 करने के बाद 100 करने के बाद 170 डबल कोलन 2221 करने के बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट करोगे। फिर नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये आईपी एड्रेस इस ये यूआरएल के ऊपर ये आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली लाएगा। तो फिर आपने फिर नेक्स्ट करना है, करने के बाद फिनिश करना है, जस्ट इतना काम है। करने के बाद आप आपकी वाईफाई आपकी जो भी मोबाइल का डेटा है वहाँ पे यहाँ पे आ चुका है आपके पीसी के साथ, सही है, पीसी के अंदर आ चुका है। आप जस्ट यहाँ से डेटा को यहाँ ट्रांसफर कर सकते हो और सेकेंड टू के अंदर आप अपना डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। मैं उसके लिए मैं माई कंप्यूटर में जाऊंगा, जाने के बाद कोई डाउनलोड में जाऊंगा, डाउनलोड में जाने के बाद कोई पिच कॉपी करके पेस्ट करके आपको लाइव दिखाऊंगा। जाने के बाद मैं जाऊंगा अपने इस मोबाइल की, वजह याद रही मोबाइल की आईपी एड्रेस से, सही है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद ये कैंटू के अंदर आ चुका है, देखें। तो इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल में जाएंगे, गैलरी में जाएंगे, गैलरी में जाने के बाद चेक करेंगे आया ये पिक्चर आया कि नहीं, ये देखें पिक्चर आ चुका है। इस तरह लाइव प्रूफ आपको दिखाया। तो अगर वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।